हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट डीके जोशी आपका लॉ इन लॉज में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि एक नए अधिवक्ता को या एक नए एडवोकेट को अपने प्रैक्टिस को जमाने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप सबसे पहले लॉ इन लॉज चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ऐसी जानकारी आपको भविष्य में भी लगातार चाहिए तो इसके लिए आप आइकन बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको भविष्य में भी जानकारियां प्रॉपरली मिलते रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि वकालत में जमने के लिए एक नए अधिवक्ता को कैसी और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति का एक ख्वाब होता है कि वह एक प्रसिद्ध वकील बने और उसको लोग जाने, लोग उसकी सराहना करें और एक विद्वान अधिवक्ता के रूप में उसकी ख्याति पूरे देश भर में ही नहीं विदेश में भी हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर आपने वकालत में रजिस्ट्रेशन कर लिया हो, बार काउंसिल कंसर्न स्टेट से आपने उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया हो और अपने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या फिर आप डिस्ट्रिक्ट तालुकाज में जहां भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं वहां के बार एसोसिएशन की आपने मेंबरशिप ले ली हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए कई बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ड्रेस सर्टिफिकेट्स हर अधिवक्ता को जो कोर्ट की ड्रेस है उसमें प्रॉपरली और साफ सुथरे तरीके से पेश आना चाहिए। और दूसरा, कोर्ट रूम के अंदर प्रवेश होते समय और कोर्ट रूम से बाहर एग्जिट करते समय आपको कोर्ट को रेस्पेक्ट देनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप अन्य अधिवक्ताओं को देख करके सीख सकते हैं। अब उसके बाद आती है कि आप कोर्ट में क्या सीखें। देखिए, आपको अगर कोर्ट में बैठ करके कुछ सीखना है तो आप प्रारंभ कोर्ट बैठने से पहले ही कोर्ट में आप बैठ करके देखें कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, किस तरह से कोर्ट की तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरह से कोर्ट सेक्रेटरी जो है फाइल्स को अरेंज कर रहा है और किस तरह से स्टेनो या जो पीएस हैं वह कोर्ट में आ रहे हैं और फिर जब जजेस कोर्ट में बैठते हैं तो उस समय भी आप ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद आती है लिस्ट, कॉज लिस्ट। जो कोर्ट में आज केसेस की सुनवाई होनी है वो सब कॉज लिस्ट में वन बाई वन कॉल आउट किए जाते हैं और उससे पहले कोर्ट में मेंशन किया जाता है यदि कोई केस अर्जेंट हो या उसको टेकअप करना हो या फिर आज वो केस नहीं लगा हो उसको लिस्ट करने के लिए कहना हो या कोई आपने फ्रेश आज ही केस दाखिल किया यदि वो दो या तीन दिन बाद लिस्ट में आता हो लेकिन अर्जेंट हियरिंग आप चाहते हैं तो वहां पर भी मेंशन प्रारंभ में किया जाता है। ये भी आप वहां जा करके कोर्ट में बैठ करके सीख सकते हैं। फिर अगली बात आती है कि कोर्ट में हियरिंग किस तरह से हो रही है। जब कोर्ट में केस कॉल आउट होता है तो सबसे पहले दाईं तरफ जब आप देखते हैं कि कोर्ट में जो लिटिगेंट है उसका काउंसिल खड़ा होकर के अपनी बात बोलता है और जो लेफ्ट साइड है स्टेट की तरफ से या रेस्पोंडेंट की तरफ से जो वकील होते हैं वो अपनी बात रखने के लिए, केस की पैरवी करने के लिए कोर्ट में अपीयर करते हैं। तो जब केस में सुनवाई प्रारंभ होती है तो जब अधिवक्ता अपनी बात वहां पर रखता है तो ध्यान इस बात का रखें कि यदि सीनियर एडवोकेट कोर्ट में उन केसेज में अपीयर हो रहा हो तो सीनियर एडवोकेट का राइट ऑफ अपीयरेंस और राइट ऑफ एड्रेस पहला है प्रीफरेबली, तो सीनियर वकील अपनी बात पहले भी कोर्ट में रख सकते हैं। अब बात आती है कि हमें और क्या सीखना चाहिए कोर्ट में बैठ करके। अब आप वन टू वन देखिए, जो फ्रेश मैटर्स होते हैं उसमें एक अर्जेंसी एप्लीकेशन या उसमें एक इंटरिम एड इंटरिम एप्लीकेशन या फिर स्टे एप्लीकेशन आदि जब होती हैं तो कोर्ट उन एप्लीकेशंस को पहले सुनती है। तो ये नए अधिवक्ता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह बारीकी से ऑब्जर्व करे कि कोर्ट की सुनवाई कैसे हो रही है और फिर उसके बाद जब कोर्ट में जो ऑर्डर हो जाता है वो उसको स्टेनोटाइप करके फिर उसको ऑर्डर शीट तैयार होती है और फिर वो
वेबसाइट में या कोर्ट फाइल में दर्ज होता है। तो इस तरह से कोर्ट की सुनवाई को ऑब्जर्व करना एक नए अधिवक्ता के लिए बहुत जरूरी है, सीखने के लिए, ताकि वह जान सके कि कोर्ट की प्रक्रिया कैसे चल रही है। ध्यान इस बात का रखना है कि कोर्ट को एड्रेस किस तरह से किया जा रहा है, वो शब्दों को और वो सेंटेंसेस जो भी हैं उनको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वहीं पर जाकर के प्रैक्टिस करनी है तो आपको उन लोगों को देख करके सीखना होगा, उन लोगों को सुन करके सीखना होगा जो ऑलरेडी कोर्ट के सामने अपीयर होके अपनी अपनी बात, अपने केस को पुट अप कर रहे हैं। दोस्तों, नए अधिवक्ता विशेष रूप से, चाहे वो महिला अधिवक्ता हो चाहे वो पुरुष अधिवक्ता हो, युवा भी उसमें आते हैं, बहुत सारे रिटायर पर्सन भी इस वकालत के पेशे में आते हैं। कानून का ज्ञान तो आपको रखना ही रखना है, लेकिन जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उसके लिए जो रूल्स बने हुए हैं, चाहे आप सिविल कोर्ट्स में कर रहे हैं तो उसके सिविल कोर्ट के लिए सिविल जनरल रूल्स बने हुए हैं, यदि आप क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के जनरल रूल्स बने हुए हैं, यदि आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाई कोर्ट रूल्स बने हुए हैं, और यदि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने हुए हैं। तो उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि आप प्रक्रिया को जान सकें कि किस तरह से कोर्ट में फाइलिंग से लेकर के हियरिंग और जजमेंट डिलीवरी तक ये सब होता है। हमें कह रहा था कि जो रिटायर पर्सनल होते हैं उनकी उम्र का अनुभव उनके साथ होता है, लेकिन जो प्रोसीजरल अनुभव है वो लेने के लिए उनको कोर्ट में उपस्थित होना ही पड़ता है। एक न्यू कमर की तरह, एक न्यू लर्नर की तरह उन्हें भी अपने डेडिकेशन के साथ इस प्रोफेशन को समय देना होता है। तो कोर्ट की ये प्रक्रियाओं को यदि आप डेली देखेंगे और वहां बैठ करके ऑब्जर्व करेंगे, हाँ इतना जरूर है कि जब फ्रेश मैटर्स पूरे होते हैं, क्योंकि हर किसी भी केस में, किसी भी कोर्ट में फ्रेश मैटर यानी जो नए मुकदमे होते हैं, नए पिटिशंस होते हैं, वो पहले सुनी जाती हैं, उसके बाद फिर जो पुराने जिसमें ऑलरेडी एक दो हियरिंग हो चुकी है, एडमिशन पर लगा होता है, या फिर काउंटर रिजेंडर एक्सचेंज की स्थिति में लगा रहता है, तो वो फिर मैटर्स को भी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एक अधिवक्ता को सीखने के लिए कोर्ट रूम में, वो है फाइनल हियरिंग। फाइनल हियरिंग जब हो रही हो तो देखिए मुकदमा क्या है और किस लॉ पॉइंट पर बहस की जा रही है, और लॉ के जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स हैं, या फिर अगर आप हाई कोर्ट में ही कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के अदर जो कोऑर्डिनेट बेंचेस की जो रूलिंग है या अदर हाई कोर्ट्स की रूलिंग वहां पर पेश की जा रही है, वो किस तरह से पेश की जा रही है और क्या क्या पोर्शन उसमें पढ़ा जा रहा है, ये भी आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। और फाइनल हियरिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो कोर्ट किस तरह से अपना जजमेंट लिखा रही है, डिक्टेट कर रही है या सुना रही है, और कभी कभी लेंथी हियरिंग के बाद मैटर को रिजर्व कर दिया जाता है, तो आप उसको भी ऑब्जर्व करें कि जब वो डिलीवरी ऑफ जजमेंट में लगा हो तो उसमें वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। ये जब आप फॉलो करते हैं किसी चीज़ को तो आप निश्चित रूप से कोर्ट की प्रोसीडिंग के द्वारा भी, आप बिना अधिवक्ता के चैम्बर ज्वाइन किए हुए भी आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। हालांकि चैम्बर ज्वाइन करना, सीनियर का चैम्बर ज्वाइन करना, वह एक अलग ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी होता है, लेकिन कुछ लोग यदि कोर्ट में ही बिना सीनियर्स को ज्वाइन किए हुए आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोर्ट रूम में बैठ करके सारी प्रोसीडिंग्स को आप ऑब्जर्व करें। दोस्तों, लॉ एंड लॉज के इस चैनल में हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी, और इसी तरह से अन्य उपयोगी वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आइकन बटन को भी आप जरूर प्रेस करें।